नमस्कार दोस्तों, सस्टेनेबिलिटी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कल जो आपके जो साइको के स्कोर कार्ड वो जारी कर दिए गए थे, लेकिन कल की डेट में ही दो तीन RRB हैं जिनके जो है रिजल्ट भी जो है DV के लिए जो रिजल्ट है वो भी जारी कर दिए गए हैं। तो आज सुबह भी एक रिजल्ट आया है, कौन से RRB का आया है वो देखेंगे, और क्या सच में 1.5 गुना बच्चों को DV के लिए बुलाया गया है, और क्या टेक्नीशियन का रिजल्ट भी साथ दिया गया है, और सभी जोन का रिजल्ट कब तक आएगा। इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से RRB का रिजल्ट अभी तक आ चुका है। तो सबसे पहले अहमदाबाद में टोटल 1227 जो है टोटल पोस्ट थी, और वहाँ पर DV के लिए बच्चों को बुलाया गया है 1270, और सिलीगुड़ी में 875 पोस्ट थी और 1084 वहाँ पर बच्चों को बुलाया गया है, और अभी अभी जो आया है वो तिरुवनंतपुरम का आया है, और वहाँ पर टोटल पोस्ट थी 608 और 629 बच्चों को वहाँ बुलाया गया है। तो दोस्तों, ये 1.5 गुना बच्चे जो है बुलाए गए हैं, लेकिन काफ़ी सारी जो पोस्ट हैं उनके लिए बच्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे। काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं उनके तो बच्चे पूरे हो गए, और लेकिन काफ़ी सारी जो कैटेगरीज हैं उनके, जैसे एक्स सर्विस मैन की हो गई, PWD की हो गई, उनकी जो है बच्चे उन्हें पूरे नहीं मिल पाए, इसलिए ये 1.5 गुना बच्चे वो नहीं बुला पा रहे, सीट उनकी सीटें जो हैं वो खाली रह गई हैं। तो दोस्तों, ये जो रिज़ल्ट आपका दिया गया है, ये इसमें लोको पायलट और टेक्नीशियन ये दोनों का कंबाइंड रिजल्ट है, क्योंकि आपको पता है कि अहमदाबाद में 1227 जो वैकेंसीज़ हैं वो उसमें लोको पायलट की और टेक्नीशियन की, ये दोनों जो हैं वैकेंसीज उसमें जुड़ी हुई हैं। और सभी जोन का रिजल्ट दोस्तों कब तक आ जाएगा? तो सभी जोन का रिजल्ट आज रात 11 बजे तक सभी जोन का रिजल्ट लगभग आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, और इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।